अब राजनीति की बड़ी खबर, कमलनाथ एक बार फिर वचन पत्र के सहारे उपचुनाव जीतने की कोशिश में लग गए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में कमलनाथ ने कर्ज माफी का गेम एक बार फिर से खेला है। इस बार किसानों को कर्ज माफी के साथ बिना ब्याज कर्ज देने की बात भी कही गई है। ये बात और है कि पिछली बार किए गए 2 लाख के कर्ज माफी का वचन कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया। कमलनाथ ने पहले घोषणा पत्र में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जगह नहीं देने की गलती की थी, इस बार इसको सुधार लिया है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने वचन पत्र के ना वादे निभाए गए हैं ना उन्हें पूरा किया गया है। वादों का क्या है, लिखना ही तो होता है, कुछ करना तो है नहीं। जनता इनकी असलियत और सच्चाई सब जानती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। पहले घोषणा पत्र में राहुल और प्रियंका को जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार इस गलती को सुधारते हुए गांधी और वाड्रा परिवार को इसमें शामिल किया है। कांग्रेस के 52 बिंदुओं के वचन पत्र का लोकार्पण कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किया। कमलनाथ ने नए वचन पत्र में किसान कर्ज माफी और बिना ब्याज के कर्ज देने की बात कही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछली बार 2 लाख के किसान कर्ज माफी का क्या हुआ। कमलनाथ की माने तो सूबे में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 3 साल में एमपी का भविष्य बदल जाएगा, पर 15 महीनों में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने क्या हालत की थी ये जनता को मालूम है। तबादले, हर जगह दलालों ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। सरकारी कार्य के लिए पैसे की मांग की जाने लगी थी। भ्रष्टाचार, दलाली, खनन माफिया और शराब माफिया जैसे शब्द फिर जनता के बीच गूंजने लगे थे। घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को इस बार तमाचा मारेगी। बीजेपी के लोग केवल ध्यान भटकाने की राजनीति में माहिर हैं। बेरोजगारी की बात आती है तो ये लोग पाकिस्तान और चीन की बात करने लगते हैं। कोविड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा शिवराज कोरोना का शुरू में केवल मजाक उड़ाते थे। शिवराज 7 महीने में नारियल फोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किए। बिना ब्याज कर्ज ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं, क्योंकि इसी से मध्य प्रदेश बचेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। सबसे ज्यादा मजदूरों का उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश में। आपने सब पूरे प्रदेश में टेलीविजन में देखा कैसे मजदूर भटकते हुए आ रहे थे। ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है, जो हमने 100 रुपए में बिजली दी, किसान कर्जा माफ किया। बकते रहते थे शिवराज सिंह जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने आप खुद उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए। 2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले। ये उन्होंने किया, सौदेबाजी करी। कोविड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कोविड की टेस्ट की कोई प्रबंध नहीं। और कोविड में शुरू में तो शिवराज सिंह जी मजाक उड़ाते थे, तो 15 महीने में मैं तो पूछना चाहता हूं जनता क्यों अपना फैसला बदलेगी। और पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुराने वचन पत्र के ना वादे निभाए ना पूरे किए, सब भूल गए। कांग्रेस सोचती है वादे हैं, वादों का क्या, लिखना ही तो है, करना कुछ है नहीं। शिवराज ने कहा जनता कांग्रेस की असलियत और सच्चाई सब जानती है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन पत्र को कांग्रेस का कपट पत्र बताया है। उन्होंने कहा कमलनाथ का यह वचन पत्र फिल्म की तरह पार्ट टू है। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए, और लिखा भी और कहा भी यह था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें, वो पूरे नहीं हुए, अब नए वादे करने आ गए। वादे हैं, वादों का क्या? और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखने ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी असलियत और सच्चाई जानती है। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे? जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है, अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। कांग्रेस के 15 महीने के शासन काल में कमलनाथ ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे यादगार माना जाए। कमलनाथ खुद जरूर अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जनता को न पहले कमलनाथ की बात पर यकीन था न अब है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना दूसरा घोषणा पत्र जारी कर दिया। पहले घोषणा पत्र जिसको मिनी वचन पत्र कहा जा रहा है, उसमें राहुल गांधी की फोटो न लाकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिसको सुधारते हुए कमलनाथ ने दूसरे घोषणा पत्र में राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा और पूरे गांधी परिवार की फोटो लगाई। वचन पत्र में 52 वचनों का वादा किया गया, जिसमें से कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई उसको मुआवजा देने की बात कही गई है, उनको पेंशन देने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसानों के कर्ज माफी की बात कही गई है। एक बार फिर कर्ज माफी का लॉलीपॉप किसानों को दिया गया है। किसानों से कहा गया है कि जो बचे हुए कर्ज माफी के लोग थे उनको, उन किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही बिना ब्याज का कर्ज दिया जाएगा। हालांकि 2 लाख कर्ज माफी का जो वादा पिछले चुनाव में 2018 में किया गया था, उसका अभी तक निभाया नहीं गया है। लेकिन जनता को फिर से जो वचनों के माध्यम से है कर्ज माफी का, एक बार फिर से लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। अब देखना यह होगा कि जनता इसको किस तरह लेती है, उपचुनाव में जनता किसको वोट करती है, क्या कमलनाथ का ये किसान कर्ज माफी का वादा फिर से चल पाएगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।